नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके किसी भी तरीके के फंडामेंटल नहीं हैं और दो दिन में आपको यहां पे बहुत बड़ा अलर्ट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात को बताना चाहूँगा कि देखिएगा, जब भी आप किसी भी स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं या फिर किसी भी स्टॉक पे रिसर्च करते हैं तो आपको उसके पीछे का लॉजिक और डेटा पहले अपने पास एक्युमुलेट करना चाहिए कि आप किस बेसिस पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। कुछ लोग खबर के बेसिस पे, कुछ लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के, कुछ लोग टेक्निकल के बेसिस पे, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के साथ स्टॉक में एंट्री लेते हैं और उसी के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो लोग अनसर्टेन रहते हैं। जब तक प्रॉफिट रहता है तब तक तो ठीक है, और अगर लॉजिक वर्क नहीं करता है तो उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे ही हम लोग देखिएगा बात करेंगे, लर्निंग इज अर्निंग का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको अपने लॉजिक पे, अपनी कंपनी पे भरोसा होना चाहिए। अभी देखिएगा SBIN के शेयर में 430 रुपए पे गिरावट देखने को मिली थी, तो हमने आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड किया था और वीडियो प्रोवाइड करके क्या कहा था कि आप देखिएगा यहाँ पे जब रिजल्ट आएंगे तो स्टॉक आपको 460 के लेवल, 445 का ब्रेकआउट के बाद देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आज बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला, 467 का देखिएगा लेवल आपको देखने को मिला। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहां पर सबसे बढ़िया देखिएगा स्टॉक ने काफी बढ़िया रिटर्न बना के दिए ऑन द डेट ऑफ रिजल्ट। तो इसी तरीके से कहेंगे लर्निंग एंड अर्निंग कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको सारी अपडेट मेरे लाइव सेशंस की दी जाती हैं। तो यहां पर दोस्तों जिस स्टॉक की हम लोग बात कर रहे हैं उसके किसी भी तरीके के फंडामेंटल नहीं है और स्टॉक का प्राइस क्योंकि कम है तो स्टॉक में इंगेजमेंट ज़्यादा रहती है कि लोग सोचते रहते हैं कि कोई इवेंट बनेगा, स्टॉक में मूवमेंट आएगा तो हम स्टॉक को लेंगे और देन आफ्टर दैट हम प्रॉफिट बना लेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के जब फंडामेंटल नहीं होते हैं तो उस तरीके से परफॉर्मेंस भी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करते हैं, और अगर आप कोई भी फ्लैग देखेंगे तो यहाँ पर सारे फ्लैग रेड देखने को मिलेंगे, यानी कि किसी भी तरीके का फंडामेंटल नहीं है। आप चेकआउट कर सकते हैं टिकर टेप पे जाकर। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर देखिएगा सेक्टर कहाँ पर है, 26 के PE मल्टीपल पे, यानी कि 26 के PE मल्टीपल पे आपको देखने को मिल रहा है। सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है और काफ़ी अच्छे स्टॉक्स ने रिटर्न भी बना के दिए हैं। अदर स्टॉक्स ने, जिनके कॉम्पिटिटर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, बट इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो देखिएगा PE बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी किसी भी मल्टीपल पे लाई नहीं कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3000 के लेवल का स्टॉक, 3000 का स्टॉक आपको देखिएगा 17 रुपए पे देखने को मिल रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपका कौन सा पर्टिकुलर रिसर्च है जिसके बेसिस पे आप स्टॉक को लेना चाहोगे, और सारी स्टडी आप टिकर टेप पे कर सकते हो, सारी डिटेल भी आपको मिल जाएंगी। अब बात करेंगे इसके आगे कि स्टॉक को क्यों नहीं लेना है। तो फंडामेंटल देख लीजिए, लगातार लॉस मेकिंग कंपनी है और कोविड के बाद लॉसेस बढ़ गए हैं, लॉसेस कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं। तो आपको पता है जब किसी भी कंपनी के प्रमोटर कंपनी के पास ना हो, कंपनी के पास सारा माल जितना भी है वो कंपनी ने बेच दिया हो, और कंपनी की हालत ऐसी हो जो उसे प्रॉफिट की दूर दूर तक आशंका नहीं है, कि दूर दूर तक भी कोई आशंका नहीं है कि उसे प्रॉफिट होगा, तो ऐसी कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। इवन कोई स्पेकुलेटिव न्यूज़ आए, इवन कोई खबर आए, तब भी आपको स्टॉक को लालच में नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे ही में आपकी मेहनत का पैसा बर्बाद होता है। ऐसे शेयर्स में ही मेहनत का पैसा बर्बाद होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेल इन्वेस्टर यही करते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर देखिएगा, हमने आपको बताया था कि ऐसे रिजल्ट भी हम बताएंगे जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले होंगे, जिन कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले होंगे। तो इसलिए आपको स्टॉक से दूरी बना के देखनी है। आप देख सकते हैं किस तरीके के फंडामेंटल आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बात करेंगे तो आपको नुकसान क्यों है, क्योंकि प्रमोटर का यहां कुछ भी नहीं जाना है, प्रमोटर का जो है यहां पर कुछ भी नहीं जाना है, म्यूचुअल फंड को या इस शेयर से कोई मतलब नहीं है।
और अगर आप बात करेंगे डीआईएच के पास थोड़ा माल है लेकिन सारा पैसा जाएगा तो किसका जाएगा, आपका। जैसे कि मैंने बताया कि 2900 रुपये 3000 का शेयर था और ये 17 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, तो पूरा का पूरा जो पैसा बर्बाद हो रहा है वो कौन हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर का। और ऐसे स्टॉक में केवल प्राइस का भाव कम है, प्राइस कम है स्टॉक का भाव कम है, तो आप एंट्री कर लेते हैं और फिर जब स्टॉक में लोअर सर्किट लगता है या फिर अपर सर्किट लगता है तो देखिएगा आपको क्वेश्चन जनरेट होने लगता है कि सर स्टॉक को बेच के निकल जाए, स्टॉक को बेच के निकल जाए। तो यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं होता, पूरी तरीके से स्पेकुलेटिव मूव होता है ये, जो कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की तरफ से कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें मोस्ट ऑफ द 90 टाइम्स आपको देखिएगा क्या होगी, आपकी कैपिटल खराब होती है। अब स्टॉक का देखिएगा नाम सामने आ चुका है, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस कैपिटल के बारे में। आपको पता है अनिल अंबानी जी की कंपनी है, प्रमोटर को कोई भी मतलब नहीं है, प्रमोटर खुद बहुत दिक्कत में है। मैक्सिमम कंपनीज क्या कर रही हैं आपको पता है, मैक्सिमम कंपनीज लॉस मेकिंग है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रही हैं, डेप्ट ड्रिवन है, डेप्ट को चुकाने का तरीका नहीं है इनके पास। अनिल अंबानी भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से देखिएगा कई सारी प्रोसीडिंग्स हो चुकी है उनके ऊपर भी, और देखिएगा एक समय पे 2924 रुपये का शेयर था और लो बनाया है 3.70 रुपये का। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्टॉक ने शेयर मार्केट में शेयर होल्डर्स के पैसे को बर्बाद किया है। एक समय पर हाई पे चल रहा था, उसके बाद लगातार गिरावट, और आप देख सकते हैं क्योंकि 17 रुपये का स्टॉक है तो मैक्सिमम लोग देखिएगा स्टॉक सोचते हैं कि अब 20 रुपये बढ़ जाएगा, 10 रुपये बढ़ जाएगा। इस स्पेकुलेटिव मूव के चक्कर में उनका पैसा बर्बाद होता है जब स्टॉक में ऐसे लोअर सर्किट लगते हैं और वो परेशान हो जाते हैं और पैनिक में स्टॉक को सेल कर देते हैं। एक साल में आप कहेंगे 73% के साथ रिटर्न बने, कुछ भी नहीं है। देखिएगा जब 2900 से स्टॉक यहाँ आ जाता है तो केवल कोई भी अपडेट आती तो स्टॉक 4-5 रुपये 10 रुपये भाग जाता है, तो उसी के बेसिस पे आपको ये रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से देखिएगा आप 3 रुपये से 7 रुपये से स्टॉक भागा है तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा रिटर्न आपको बन गए होंगे 16 रुपये पे ही। तो इसीलिए कहते हैं ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना है। क्यों रहना है, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल नाम की कोई भी चीज़ नहीं है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगातार लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे, लगातार कॉन्टिन्यू लॉसेस हैं, यानी प्रॉफिट की संभावना आपको दूर दूर तक नहीं देखने को मिलेगी। EPS भी देखिएगा ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिएगा ईयरली लॉसेस कैसे हैं। ईयरली लॉसेस अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लॉसेस और डीपेंड होते चले जा रहे हैं, और भी ज़्यादा डीपेंड होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए आपको स्टॉक से दूर रहना है। क्यों रहना है, क्योंकि यहाँ पर इनके रिजल्ट आने वाले हैं। स्टॉक के रिजल्ट आएंगे 6 अगस्त को 2021 को, स्टॉक में तभी देखेगा अगर रिजल्ट आते हैं, अच्छे नहीं आते हैं, खराब रिजल्ट आते हैं जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन है, लॉस तो होना ही है। तो खराब एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे अगर देखिएगा स्टॉक में फिर से आपको लोअर सर्किट देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को मिलेगी, तो इसलिए पहले से ही आपको अलर्ट रहना है, ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखनी है ताकि आपकी लर्निंग अच्छी तरीके से होती रहे कि किन कंपनियों से हमें दूरी बना के रखनी है। और पिछली बार रिजल्ट आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर लॉस मेकिंग रिजल्ट आए थे और रिजल्ट लगातार लॉस मेकिंग ही आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पे दिक्कतें ऑलरेडी देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखिए, रिजल्ट से पहले भी और रिजल्ट के बाद भी। वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।